जुलाई यानी कल से इफेक्टिव हो जाएगा। 3 स्टॉक इसमें ऐड किए गए जिनमें एज टेक, फ्लोड मशीनरी, फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन और हैंडमैन फिट लिमिटेड का नाम है। वहीं शॉर्ट टर्म के एएसएम से 15 स्टॉक बाहर भी निकले जिनमें आदिनाथ टेक्सटाइल, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, एडवेंस व एंटरप्राइज, इमामी पेपर, जीई पावर, इंडो विंड एनर्जी, काया लिमिटेड, लोटस चॉकलेट, न्यू लाइट अपेरल्स, पीएनजीएस, गार्गी फैशन ज्वेलरी, रेनबो फाउंडेशन, आरओ ज्वेल्स, श्री वेंकटेश रिफाइनरी, वहीं सूरज इंडस्ट्री और ह्यूमन लाइफ का नाम है। जिनके आगे दोस्तों डॉलर का साइन लगा है वो कंपनी ईएसएम के फ्रेमवर्क में जा चुकी है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म के एएसएम में एक स्टॉक आया है न्यू लाइट अपेरल्स, राठी स्टील एंड पावर को स्टेज 2 में ऐड किया गया है, एडबेट इंफ्राटेक को स्टेज 4 में शामिल किया गया है। आज के दिन 30 कंपनियों के सर्किट भी बदले गए हैं जिनमें शर्मा, ईस्ट इंडिया हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च, आईईसी एजुकेशन, इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी, सुमित इंडस्ट्री, इनके सर्किट 20% किए गए। उसी के साथ साथ सिंड्रेला होटल, उमंग डेरीज, महानगर टेलीफोन निगम यानी MTNL, वहीं एजटेक, फ्लोट मशीनरी, नेशनल परोक्साइड लिमिटेड, इनके सर्किट 20 से घटाकर 10% किए गए हैं। फॉर्चून इंटरनेशनल, अनेक इंडस्ट्री, इंडक्टो स्टील, ओमनी पोटेंट इंडस्ट्री, PIP क्लोथिंग, हरियाणा शिप ब्रेकर, इन सभी के सर्किट हमें 5% देखने को मिलेंगे। बाकी कंपनियां हैं जैसे ब्रिज सिक्योरिटी और BR फिल्म स्टूडियो, सेवन सीज एंटरटेनमेंट, सेल्बिन ट्रेडर, यूनिवर्सल आर्ट, ज्योति इंफ्रावेंचर, इनके सर्किट 2% कर दिए गए हैं। तो सारे बदलाव कल से होंगे तो शेयरों के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।